राहें कठिन तो हैं मगर मगर। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करते हैं उन विशेष हस्तियों से जो अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुण मल्होत्रा। इन्होंने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम। बचपन के दिन, मैं 5 से 10 वर्ष की आयु तक। निपुण, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। CIET NCERT से मैं डॉक्टर इरम खान श्रृंखला की इस कड़ी में आपके साथ रहूंगी। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मिस्टर निपुण अपने बचपन के बारे में क्या कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ और शेयर करना चाहेंगे। किस तरह के खेल खेलते थे आप? जैसे कि आपने बताया कि लर्निंग आपकी ऐसे हुई कि मदर ने आपको चीज़ों को टच करना सिखाया और आप उनको महसूस करके सीखते गए। कुछ और शेयर करना चाहेंगे कैसे? तो मैं ज्यादा भागदौड़ के खेल तो वो नहीं खेलता था क्योंकि ऑब्वियसली उनमें ज्यादा मैं, पर हमारे जो आस पड़ोस के लोग आते थे वो बच्चों को मेरी माँ घर बुलाती थी और ऐसे खेल खिलवाती थी जिनमें मैं आसानी से खेल पाऊँ। यू नो, जैसे कि एक बच्चों की गेम होती है, जैसे आप जानते हो स्टैचू नाम की। हाँ हाँ। कि स्टैचू बोलते हैं तो सबको स्टैचू होना होता है। मैं तो वैसे ही इतना ज्यादा स्टैचू, मेरे हाथ पर तो ज्यादा हिलते नहीं, तो हमेशा वो गेम जीत जाता था। तो मेरे माँ मेरे को और पड़ोस वाले बच्चों को वो खिलाती थी। उसके अलावा मुझे बचपन में क्रिकेट का बहुत शौक था और क्रिकेट मैं ज्यादा अच्छे से खेल तो सकता नहीं था, पर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया था कि मुझे सबसे अच्छा बैट और स्टंप्स और सब चाहिए कॉलोनी में। अच्छा। तो और मैं सबको यही बोलता था अपनी कॉलोनी में कि अगर आपको मेरी बैट स्टंप्स और सब क्रिकेट इक्विपमेंट के साथ खेलना है तो आपको मुझे भी खिलाना पड़ेगा और मेरे रूल्स के हिसाब से खिलाना पड़ेगा। वो है कि मैं बैटिंग जब करूंगा, व्हीलचेयर में बैठ के बैट के साथ पकड़ूंगा, ये मैं 5 और 10 साल की उम्र के बीच की कोई बात है, पर आपको तो आपको मेरे साथ क्रिकेट के अगर ये इक्विपमेंट के साथ खेलना है तो मेरे साथ मेरे को आपको शामिल करना पड़ेगा और मैं बैटिंग करूंगा। और अगर कोई कभी बोलता था नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, हम सब ओवर आर्म बॉलिंग के साथ कर रहे हैं, आपको अंडर आर्म बॉलिंग करनी पड़ रही है और आपके सीधा बैट के पास बॉल फेंकनी पड़ रही है, तो मैं सीधा बैट और इक्विपमेंट को उठा के घर चले जाता था। अच्छा। तो मैं काफी उस हिसाब से काफी शैतान भी था। तो मतलब सारी शरारतें जो सारे बच्चे करते हैं वो सारी शरारतें आपने भी की हैं। हाँ जी। अच्छा। निपुण, मैंने आपकी कॉमिक बुक पढ़ी है, नो रेड कार्ड फॉर द डिसेबल्ड। इसके पहले मैं ये बताना, मैं याद कर दिलाना चाहूँगी वो इवेंट जब हम लोग मिले थे, मैं आपसे जब मिली थी, इट वाज अ प्रोग्राम जिसमें मैं पैनलिस्ट थी और आप मॉडरेटर थे। आपको याद है वो इवेंट? उस इवेंट के बाद जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर आप मेरे से मिले और आपने ये कॉमिक बुक मुझे दी थी, गिफ्ट की थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस कॉमिक बुक आई वाज सो इंटरेस्टेड, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैंने इसे पूरा पढ़ डाला। और पूरा पढ़ने के बाद फिर मैंने इसके जो बैक पेज है उस पर आपके बारे में, अबाउट द ऑथर में आपके बारे में पढ़ा एंड मैं इतना इंस्पायर हुई। तो प्लीज़ आप मुझे इस कॉमिक बुक के बारे में बताइए और इसमें क्या क्या है, आपने इसमें कौन सी कहानी का जिक्र किया है वो भी हमारे श्रोताओं को बताइए। ये कॉमिक बुक मैंने बेसिकली इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं जो मेरे स्कूल की ज़िंदगी थी वो एक ज़्यादा खुशी ज़िंदगी नहीं थी उस हिसाब से, क्योंकि तो थोड़ा मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में पहले थोड़ा बोल देता हूँ, उसके बाद कॉमिक के बारे में बोल देता हूँ क्योंकि आप कंटेक्स्ट समझ जाएंगे कि क्यों लिखी मैंने। तो सबसे पहले तो जो मैं स्कूल में घुसना चाहता था, मेरा पहला चैलेंज ये था कि मेरे पेरेंट्स ने पहले ही सोच लिया था कि अंत में तो निपुण को एक आम ज़िंदगी जीनी है और एक नॉर्मल एक और नॉर्मल और एक रियल वर्ल्ड में रियल चैलेंजेस को फेस करना है, तो दुनिया से तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको स्कूल से भी क्यों प्रोटेक्ट करें एक स्पेशल स्कूल भेज के। बिल्कुल ठीक है, उसको बचपन से ही एक नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए कि एक नॉर्मल ज़िंदगी की उसको आदत पड़ जाए। पर जितनी आगे मेरे पेरेंट्स की सोच थी उतनी आगे मेरे ख्याल से समाज की सोच नहीं थी, क्योंकि
मेरी माँ कम से कम 15-20 स्कूल में गई जिनने कोई ना कोई बहाना मार दिया, कोई स्कूल एक्सेसिबल नहीं था, कोई स्कूल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता था एक डिसेबल इंसान को अंदर घुसा के, कोई स्कूल सोचता था कि मैं पढ़ाई के साथ कैचअप नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी स्कूलों ने अलग अलग क्रिएटिव एक्सक्यूजेज एंड बहाने मार के मेरे को एडमिशन नहीं दिलवाई। अंत में एक, तब मैं बॉम्बे में ही था तो एक स्कूल था जिसने मेरे को एडमिशन दे दी और क्लास 4 तक मैं वहाँ था। फिर जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ तो एक स्कूल ने एडमिशन दे दी और पर जब मेरे को एडमिशन मिल भी गई, एक चैलेंज हमेशा ये रहता था कि जो मेरे क्लासमेट्स थे वो अपने आसपास तो कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को देखते नहीं थे, तो उनको एक तो डर लगता था कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट के पास आने से, और दूसरा अगर वो आते भी थे उनको पता नहीं था कि वो कैसे इंटरेक्ट करें, और मेरे ख्याल से उस समय पर स्कूल भी ना इंक्लूजन में इन्वेस्ट नहीं करते थे। आजकल हर एक नॉर्मल स्कूल में भी, हर एक तो नहीं, इनफैक्ट आज भी बहुत प्रॉब्लम है, पर काफी लीडिंग नॉर्मल स्कूल्स भी इंक्लूसिव एजुकेटर्स ला रहे हैं जो बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट ला रहे हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि अगर इंसान चल नहीं सकता तो वो किसी और से काम नहीं है, आपका दोस्त बन सकता है और सब। पर तब का समय अलग था और पूरी स्कूल जिंदगी में लोग अपने सबसे अच्छे दोस्त स्कूल लाइफ में बनाते हैं, मैंने अपनी स्कूल लाइफ में एक भी दोस्त नहीं बनाया। तो मैं वही एक चीज़ दिखाना चाहता था अपनी कॉमिक से कि मैं ये कॉमिक स्कूलों में बांटूँ और बाकी बच्चों को बोलूँ कि अगर आपकी क्लास में एक निपुण हो आप उसको एक बेटर स्कूल लाइफ दो इन कंपैरिजन टू की जो मेरी स्कूल लाइफ थी। और इसमें इसलिए मैंने ये कॉमिक लिखी और फिर एक इलस्ट्रेटर के साथ टाइप करके इलस्ट्रेटर ने ड्राइंग्स बनाई और मैंने कहानी लिखी। और जैसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में बताया मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन था, तो जब मैं कॉमिक लिख रहा था क्रिकेट में, क्रिकेट स्टोरी में जम नहीं रही थी, तो इसलिए और थोड़ा और बच्चों की कहानी में थोड़ा ड्रामा लाना भी जरूरी है, इसलिए मैं एक ऐसी कॉमिक बना ली जिसमें एक बच्चा है जो व्हीलचेयर में है, वो अपनी फुटबॉल, मैं एक्चुअली जिंदगी में क्रिकेट कॉमेंटेटर बनना चाहता था जब मैं छोटा था। अच्छा, अच्छा। मुझे भी जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था स्कूल में, मुझे पता था मैं क्रिकेट खेल तो नहीं सकता पर मैं कॉमेंटेटर जरूर बन सकता हूँ। तो उसके बदले में मैंने कॉमेंटेटर के बदले में यहाँ पे एक फुटबॉल रेफरी का सपना डाल दिया। और इस कॉमिक की यही कहानी है कि एक व्हीलचेयर वाला लड़का होता है जो कैसे सब कठिनाइयों को झेल के एक फुटबॉल रेफरी बन जाता है। तो इस कॉमिक में बेसिकली दो पार्ट्स ना, एक पार्ट ये फोकस करती है कि कैसे एक लड़का है जो व्हीलचेयर में है जो स्कूल जा रहा है, और वो भी बाकी सब बच्चों की तरह है इमोशनली ना, वो शायद चल नहीं सकता पर वो बाकी जैसे बच्चों जैसे बाहर घूमना चाहता है उनके साथ, और वो आइसक्रीम खाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। तो और बेसिकली जैसे ही बाकी बच्चे हैं उतना ही नटखट ये भी है, पर बाकी बच्चों के लिए इसकी डिसेबिलिटी इतनी एक बड़ी आइडेंटिटी हो गई है कि वो उसको एज एन इंसान नहीं देखते बट एज अ व्हीलचेयर यूजर देखते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ये है कि ये चाहे बच्चा व्हीलचेयर में हो पर इसके अपने भी सपने हैं बाकी की तरह। जैसे मेरा एक सपना था जब मैं बच्चा था, मैं क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहूँगा असली में। और आप, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हर्ष बोगले को मैंने लिखा और फिर मैंने उनकी इंटरव्यू भी दी थी अपनी स्कूल मैगजीन के लिए। हाँ। तो वो मेरे स्कूल में सबसे प्राउड मोमेंट था। मैंने आपकी एक फोटो देखी है हर्ष बोगले के साथ। जी, मैं कमेंटेटर बनना चाहता था और मैंने हर्ष बोगले को कॉन्टैक्ट किया और वो मेरे को मिले और मैंने उनकी इंटरव्यू दी थी स्कूल मैगजीन के लिए। और वो एक मोमेंट मेरे लिए जीत थी क्योंकि क्लास में मैं पहला इंसान था जिसने हर्ष बोगले को मिला और किसी ने नहीं मिला, और सब मेरे से जलस थे कि हाँ ये यहाँ पहुँच सकता है तो हम भी पहुँच सकते हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का सा और ड्रामा डालना चाहता था, तो यहाँ पे सब बच्चे अपनी फुटबॉल टीम में बनना चाहते हैं, तो और मेरे को पता था इस कॉमिक के कैरेक्टर को भी पता है कि वो फुटबॉल खिलाड़ी तो नहीं बन सकता पर वो फुटबॉल का रेफरी बन सकता है, और कैसे वो लोगों को दोस्त बनाता है, कहीं कहीं कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, जैसे हर स्टूडेंट होते हैं ना थोड़ा कुछ लड़ाई से कुछ दोस्ती से सब चीजों करके अपना जो सपना होता है वो पूरा कर देते हैं। तो ये बच्चा भी वही नटखट सा बच्चा होता है जो वो चीज पूरा कर देता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने मिस्टर निपुण अपने जीवन के बारे में। अपने बचपन की कठिनाइयों को जिस प्रकार पॉजिटिवली लिया आपने और उन्हें आधार बनाकर बिना हारे जीवन में आगे बढ़ते रहे, वो हर विद्यार्थी को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही हमारे स्कूल भी इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्व और अधिक समझ पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है और हम जानते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा। निपुण जी, आप हमारे बीच आए, आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बच्चा व्हीलचेयर में हो तो बाकी बच्चों के लिए इसकी डिसेबिलिटी इतनी एक बड़ी आइडेंटिटी हो गई है कि वो उसको एज एन इंसान नहीं देखते बट एज अ व्हीलचेयर यूजर देखते हैं। ये चाहे बच्चा व्हीलचेयर में हो पर इसके अपने भी सपने हैं बाकी की तरह।
बचपन के दिन, मैं 5 से 10 वर्ष की आयु तक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर एरम खान, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।